अध्यक्ष दीपक शुक्ला के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अब चौकन्ना दिखाई दे रहा है। एसडीओपी डीएसआर लाल सिंह एवं जीवायन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवान एवं जीवायन पुलिस की टीम ने सैकड़ों की संख्या में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को देखकर लोगों के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इतनी पुलिस बल यहाँ क्यों लगाई गई है। पुलिस जवानों के द्वारा आगामी चुनाव में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पैदल व गाड़ियों से फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। वहीं जियावन थाना प्रभारी निरीक्षक ने सभी ग्रामीण नागरिक एवं व्यापारियों को बताया कि 29 अप्रैल को होने जा रही वोटिंग, आप सभी लोग निर्भय होकर मतदान करें। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बहुत ही गंभीर है, साथ ही किसी गंभीर परिस्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही थाना क्षेत्र के देवसार, नोडिया, खड़ोरा, हरसाभेट, सुपेला आदि सहित संपूर्ण थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।